वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं 15 अगस्त के दिन जिलाधिकारी कार्यालय पर एक शपथ गुटखे के लिए, तंबाकू के लिए। भारतीय स्वतंत्रता के 73वें वर्धापन दिवस के शुभ अवसर पर हम आज तंबाकू मुक्ति की शपथ लेंगे। मैं सगळ्यांना विनंती करू की आपण आपला उजवा हात पुढे करावा। आपण तंबाकू विरोधी आज शपथ घेणार आहोत तंबाकू मुक्तीच्या संदर्भात। माझ्या अधिपत्याखालील आणि जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्था, शाळा आणि शासकीय कार्यालय तंबाखू मुक्त तसेच सिगरेट मुक्त करेल। मी माझे कार्यालय, माझे घर, माझे गाव, माझी शाळा, माझी संस्था आणि माझे महाराष्ट्र राज्य तंबाखू मुक्त करण्याचा प्रयत्न करेल। इसे दोबारा भी अगर आप सुनेंगे तो यह शपथ वैसी ही रहेगी, लेकिन हम आपको जलगांव के कुछ नजारे दिखा रहे हैं जहां धड़ल्ले से बिक रहा है गुटखा, तंबाकू, सिगरेट। विमल ले आओ। किती वाली आणि ती मोठी? अगं विमल जान, मिक्स आहे का पूर्ण? मिक्स आहे का म्हटलं? नाही लहान का मोठी मिक्स नाही आहे। फोडून टाकून दिली का याच्यामध्ये? बघतो ते फक्त कागदामध्ये पॅक केली आहे। विमल दादा, कोणते काय म्हणत? कोणतीच पुढी नाही का? फक्त पण सिगरेट वगैरे बी नाही का? बरं, कुठं? बस स्टँडच्या बाहेर का? बरं, जुने बस स्टँड। विमल दादा, किती वाली आहे? मोठी नाही का? विमल आहे का भाई? विमल आहे? विमल दो का कमी आहे क्या? और एक का? विमल जाओ, मोठी पण आहे का? मोठी जागा रेट आहे नी? मोठी जागा रेट आहे? विमल द्यावा का? बड़ी भी आती ना? कितने की हो? नहीं 20 रुपए की लगाओ, 20 रुपए की आती ना?
है? और ये छोटी 10 रुपए की क्या? विमल मोटी घोड़े जी कुछ ऐसी भी जगह है जहां पुलिस चौकी के बगल में आपको आराम से गुटखा तंबाकू सिगरेट मिल जाएंगे। अब जब अगर ऐसी जगहों पर ही गुटखा तंबाकू सिगरेट मिलेंगे तो फिर यहां शपथ लेने देने का क्या फायदा। हम जलगांव के पालक मंत्री साहब को यह बताना चाहेंगे कि जलगांव में धड़ल्ले से हर तरफ गुटखा तंबाकू सिगरेट सब कुछ मिल रहा है। कोरोना वायरस के काल में थूकना मना है लेकिन पान की दुकानें खुली हुई है और लोग गुटखा खाकर जगह जगह पिचकारी मार ही रहे हैं। जलगांव में ना तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई करते हैं ना ही फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट। हालांकि फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट का यह काम है कि वह इस तरह से खुलेआम गुटखा तंबाकू सिगरेट अगर बिक रहा है और वह कानून के खिलाफ है तो उसे रोका जाए, लेकिन फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट तो आराम से अपनी जेब में हाथ डालकर बैठा हुआ है और पालक मंत्री साहब लोगों को शपथ दिलवा रहे हैं। अगर इसी तरह से धड़ल्ले से गुटखा तंबाकू सिगरेट पुलिस चौकी के पास भी मिलता रहेगा और पुलिस चौकी से दूर भी, तो फिर इस तरह के शपथ का क्या फायदा। प्रशासन और पुलिस को चाहिए कि सबसे पहले गुटखा तंबाकू सिगरेट जहां पर मिल रहे हैं वहां पर जरूरी कार्रवाई की जाए, तभी शपथ लेने का कोई फायदा होगा। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।